क्या मोदी की जीत के लिए योगी जरूरी है? जीत के लिए क्यों अहम है यूपी में योगी की सत्ता? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बार पीएम के साथ योगी की भी डिमांड ज्यादा है। पर ऐसे में सवाल उठा कि क्या दिल्ली की सत्ता के लिए बेहद अहम है यूपी में योगी की सत्ता, जो केंद्र में एक बार फिर बीजेपी की सरकार को बना सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। देश की राजनीति में मोदी शाह ने इसे भली भांति समझ लिया था कि यूपी सहित उत्तर भारत की राजनीति में अंगद की तरह अगर पांव को जमाने हैं तो जातीय गणित की काट तलाशनी होगी। साल 2017 में मोदी शाह ने यूपी सरकार की अगुवाई के लिए जब योगी को चुना था तो राजनीतिक विश्लेषक आश्चर्य में थे, संकोच और सवाल पार्टी के अंदर भी थे। दो साल बाद खुद अमित शाह ने इसका जवाब दिया था और कहा था कि लोगों ने मुझसे कहा कि आप उनको इतने बड़े राज्य की कमान क्यों सौंप रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी और मैंने उन्हें सीएम बनाने का फैसला किया क्योंकि वे कर्मठ हैं और उन्होंने अपने कम अनुभव को कठोर परिश्रम से कभी बाधा नहीं बनने दिया। जिसके बाद साल 2022 में योगी सीएम चेहरे के साथ चुनाव में उतरे और 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर डाली और इसे ही नेतृत्व और जनता दोनों की अपेक्षाओं पर मुहर माना गया। 7 साल में सरकार के खाते में कई उपलब्धियां रहीं। 1 दशक में मोदी ने गरीब केंद्रित योजनाओं का एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया जो सबको भाया। इसमें उज्ज्वला, पीएम आवास योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, किसान सम्मान निधि सहित कई फ्लैगशिप योजनाओं की शुरुआत यूपी से ही हुई। योजनाओं का ये गुलदस्ता सबको भाए, इसके लिए उसके लक्षित वर्ग तक पहुंच जरूरी थी, यानी वो योजना घर घर तक पहुंचे। मोदी की इस अपेक्षा को योगी ने 7 साल में बखूबी अंजाम दिया। योगी सरकार फैमिली आईडी योजना के तहत हर परिवार की यूनिक आईडी बना रही है। पिछले महीने तक इसमें केंद्र प्रदेश की योजनाओं के लगभग 7 करोड़ लाभार्थियों की सीडिंग हो चुकी है। यूपी के कुल वोटरों का ये लगभग 46% है। इसी लाभार्थी वोट बैंक के जरिए बीजेपी ने 2019 में यूपी में सपा बसपा के गठबंधन को बेअसर कर दिया था। 2024 की चुनावी लड़ाई में भी लाभार्थी बीजेपी का सबसे प्रमुख हथियार है, जिससे चुनाव के पहले विकसित भारत यात्रा, लाभार्थी संपर्क अभियान जैसे कार्यक्रमों से पैना किया जा चुका है, यानी बीजेपी को इससे फायदा होगा और वोट मिलेगा। ये तो बात हुई विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाकर लोगों तक पहुंचने की, लेकिन अब बात करते हैं उस एजेंडे की जो यूपी में बखूबी देखने को मिला, यानी हिंदुत्व का एजेंडा। क्योंकि राम मंदिर सहित हिंदुत्व के कोर एजेंडे को मोदी ने विकास का तिलक लगाकर और समावेशी बनाया। भगवा पहने योगी जब सीएम की कुर्सी पर बैठे तो इसे और विस्तार मिल गया। 7 साल में योगी ने इससे जुड़ी हर अपेक्षा को परिणाम में बदल दिया। राम मंदिर का फैसला आने से पहले ही अयोध्या में दीपोत्सव के जरिए योगी ने राममय परिवेश तैयार करने की कवायद कर दी। कावड़ियों पर पुष्प वर्षा से जैसे आयोजनों ने आस्था को सहजता का रंग दे दिया। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद सहित सभी आस्था केंद्रों को विकास की योजनाओं से जोड़कर यूपी में पर्यटन का एक नया मानचित्र उभारा गया, जो इसे शिव, राम, कृष्ण, बुद्ध की धरती की पहचान से जोड़ता है। यानी योगी ने काशी से अयोध्या तक मोदी की उपस्थिति और हिंदू गौरव के स्वर को और मुखर कर दिया। बीजेपी चुनाव मंचों से इसे प्रखर बनाने में लगी है, जिससे आस्था का सियासी प्रसाद भी हासिल हो सके। विपक्ष इसे बहुसंख्यक तुष्टिकरण और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा बता रहा है। जवाब में सरकार आंकड़े रख रही है कि यूपी में अल्पसंख्यकों की आबादी 20% है और लाभार्थी परक योजनाओं में भागीदारी लगभग 36%, यानी योगी सरकार में सभी को लाभ मिल रहा है। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की, क्योंकि कानून व्यवस्था को भी बेहतर ढंग से चलाकर योगी ने अपनी जगह लोगों के बीच बनाई। इसे ऐसे समझा जा सकता है, जब 27 फरवरी 2017 को मोदी ने मुख्तार अंसारी के गढ़ मऊ में सुभाषपा के सिंबल का जिक्र कर कहा कि यह छड़ी नहीं कानून का डंडा है, 11 मार्च को इसकी ताकत दिखाई देगी। योगी ने 7 साल में इस ताकत का जमकर एहसास करवाया। मुख्तार से अतीक तक कई बड़े माफिया जो कभी कानून के शिकंजे में नहीं आए उनको दशकों बाद सजा हुई या वो मारे गए।
बुलडोजर और एनकाउंटर मॉडल ने ऐसी सुर्खियां बटोरी कि यूपी के बाहर दूसरे राज्यों ने भी इसे अपना डाला। काम और कार्रवाई के मॉडल ने योगी को मोदी शाह के बाद यूपी के बाहर बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक तक बना दिया। यूपी से मुलायम सिंह यादव, मायावती भी सीएम रहते प्रचार के लिए दूसरे राज्यों में अक्सर गए, लेकिन वो अपनी पार्टी के मुखिया थे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के तौर पर दूसरे राज्यों में योगी ने मोदी शाह के बाद सर्वाधिक सभाएं की, यानी ज्यादा से ज्यादा चुनावी सभाएं की। लोकसभा चुनाव में भी उनकी कई राज्यों में इस वक्त डिमांड है। हालांकि बुलडोजर मॉडल पर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि रोजमर्रा की घटनाओं को रोकना एक बड़ी चुनौती है। चुनाव के ठीक पहले भर्ती परीक्षाओं के पर्चा लीक का मुद्दा भी विपक्ष उठा रहा है। लेकिन योगी मिशन रोजगार के आंकड़े और पर्चा लीक करने वालों के घरों पर बुलडोजर के जरिए इसका जवाब दे रहे हैं, और यही योगी को और लोकप्रिय बना रहा है। और कहा जा रहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जो जमीन तैयार की है उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है, और इस लोकसभा चुनाव में योगी भी बीजेपी को जिताने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, यानी एक बड़ी वजह बन रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए योगी बीजेपी के लिए जरूरी बन गए हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।